दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे क्लास 12th भूगोल यानी ज्योग्राफी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि आपको पता होगा हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस मैच किए थे, तो आइए हम यहाँ पे भूगोल का भी कुछ क्वेश्चंस देते हैं। इसमें से देखते हैं कितने क्वेश्चन मैच करते हैं। यहाँ पे क्या है देखते हैं पहला क्वेश्चन, और आप लोग आराम से यहाँ पे रिवाइज करते हो। चलिए ये यहाँ पे वीडियो ही बनाया गया है आपके एग्जाम के पर्पज से, तो यहाँ पे पूरा हम यहाँ पे अच्छे से सारे क्वेश्चंस आपको देंगे, आप लोग रिवाइज करते हो चलो, याद करते हो चलो, ताकि एग्जाम में जब आए आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से वहाँ पे जल्दी से कर पाओ। तो चलो यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, अन्वेषण एवं वर्णन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा, ये जो है किसने कहा, तो ये कहे हैं कौन, तो यहाँ पे कुमारी सैंपल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या चीज, कुमारी सैंपल, अब ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखते हैं। इसमें क्या है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेटजेल को, किसको, रेटजेल को, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगी। चलिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, नव निश्चयवाद, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, क्या चीज, टेलर, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है, तो टेलर। हम यहाँ पे आपको बताते हुए चल रहे सारे क्वेश्चन देखते हुए आप चलिएगा, रिवाइज होते जाएगा, तो आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आराम से वहाँ पे बना पाओगे। इसलिए यहाँ पे 5वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। और 5वां क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन विद्वान, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, बर्टेंड रसल यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगी। चलिए यहाँ पे 6 और क्वेश्चन देखते हैं। और 6 और क्वेश्चन में बोला जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या चीज़, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या चीज़, समकलनात्मक अनुशासन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अब देखते हैं 7 और क्वेश्चन। और 7 और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन महाकाव्य यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। चलिए यहाँ पे 8 और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, क्या है, प्रकृति एवं मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तकनीक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। चलिए 9 और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या चीज़, ऑप्शन नंबर ए, परिवहन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। चलिए यहाँ पे 10 और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, इसमें बोला जा रहा है संभववाद, क्या है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या चीज़, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगी। हम यहाँ पे कितना क्वेश्चन देखें, 10। अभी चलिए यहाँ पे इस यूनिट को भी स्टार्ट करते हैं। विश्व जनसंख्या से जो क्वेश्चन आएगी, मतलब जनसंख्या घनत्व वृद्धि से जो भी क्वेश्चन आती है एग्जाम में आती है इससे क्वेश्चन, तो यहाँ पे इससे भी हम लोग क्वेश्चन सारे देख लेते हैं, ताकि एग्जाम में आए तो आप लोग आराम से कर पाओ। और देखो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा लाटविया, क्या चीज, लाटविया का जनसंख्या है बढ़ने के बदले घटती जा रही है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है, निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या सबसे अधिक है, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या चीज, इस 4 ऑप्शन में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगी। चलिए 3 और क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या चीज़, अफ्रीका, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़, 4 और क्वेश्चन। और ये क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया, क्या है, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, नोएस्टीन, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या चीज, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। तो अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन
का कारक नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आवास, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सेवन और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। देखो हम यहाँ पे क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको बताते हुए चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एग्जाम जो है पूरा करीब है और आप लोग बस यहाँ पे रिवाइज करते हो चलो, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे याद हो जाएगा, एग्जाम में आराम से लिख पाओगे। अभी यहाँ पे आठ नौ क्वेश्चन देखते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे और आठ नौ क्वेश्चन में यहाँ पे है क्या चीज है, यहाँ पे बोला जा रहा है प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रवास के लिए, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नाइन में यहाँ यहाँ पे क्या चीज, सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पश्चिमी सऊदी अरब में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे दस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों की नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो आंसर हो जाएगा 1970, ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगी। चलिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, या क्या है यहाँ पे 11 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनाकीय संक्रमण का प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, तो ये जो है तथ्य नहीं है। बाकी यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ये सब पढ़िए, विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। ऑप्शन बी में यहाँ पे क्या है, विश्व जनसंख्या में क्या है, प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। यहाँ पे सी में क्या है, 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। अभी चलिए यहाँ पे 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या चीज, स्थलाकृति, यहाँ पे सही हो जाएगा, स्थलाकृति ऑप्शन ए राइट हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें क्या है, किस वर्ष विश्व का मानव जनसंख्या 6 अरब हुई, किस वर्ष विश्व का मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या चीज, 1999, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगी। चलिए यहाँ पे यूनिट थ्री देखते हैं। और यूनिट थ्री देखो, जनसंख्या संगठन, यहाँ पे क्या है, जनसंख्या संगठन, और इससे क्वेश्चन आते हैं। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना रुके। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का क्या है प्रतिनिधित्व तो करता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 से 59 वर्ष के लोग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगी। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगी। चलिए यहाँ पे 3 और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में किस देश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा क्या चीज, लाटविया, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, लाटविया के बारे में आपको एक और चीज बताए थे कि यहाँ पे जनसंख्या जो है बढ़ने के बदले घटती जा रही है, ऑप्शन यहाँ पे सी, यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन सी है। यहाँ पे चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें क्या है, इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों को प्रतिशत सबसे अधिक है? यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों की प्रतिशत जो है सबसे अधिक है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर। आप लोग आराम से ये रिवाइज करते हो चलो, यहाँ पे हम लोग इतने सारे क्वेश्चंस देखें। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, क्या है, मानव विकास। अब यहाँ पे देखो मानव विकास से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग आराम से अभी देखते हो चलो क्या है यहाँ पे पहला क्वेश्चन, और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का मूलभूत क्षेत्र है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन यहाँ पे देखो ए भी सही है स्वास्थ्य, ऑप्शन बी संसाधन भी सही है, शिक्षा भी सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगी। चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या, यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगी। चलिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर
जो है 0.8 से यहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, HDI ग्रेटर देन 0.8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 57 यहाँ पे 57 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है 4 नंबर क्वेश्चन, और ये क्या है, इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मिस्र, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो है 3 देश, ये सब देश क्या है, उच्च मानव विकास वाला देश है, और बाकी एक मिस्र जो है ये उच्च मानव विकास वाला देश नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो यहाँ पे देखो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुण के धनात्मक परिवर्तन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में कौन सी कोटि थी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 127। देखो रिवाइज कर लो आराम से यहाँ पे ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला जा रहा है विकासशील देशों, मतलब यहाँ पे विकासशील देशों की जनसंख्या में सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं के पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या चीज़, विकासशील देशों की जनसंख्या, अब यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो गई। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, विकासशील में यहाँ पे नाइजीरिया आ जाता है, बाकी यहाँ पे जापान फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे नहीं आता है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगी। चलिए यहाँ पे हम लोग इतने सारे क्वेश्चन देखें, अब यहाँ पे आपको अगर ये वीडियो आप पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब देखो ज्योग्राफी का अगर और अच्छे से तैयारी करना है तो हम आपको बहुत वीडियो दे चुके हैं, बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, आप जाके आराम से उस सारे वीडियो को देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग आराम से अपने एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं, और बाकी आप लोग आराम से तैयारी करते रहिए, ये क्वेश्चन बस रिविजन के लिए आपको दिए थे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगी हम आपको देते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।